गाइस, दिस इज करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत कम समय में तैयार हो जाने वाले गाजर के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ। आप देख ही सकते हैं ये कितने ज़्यादा डिलीशियस हैं। इनके ऊपर हल्का सा पिस्ता स्प्रेड करने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर मैं लगभग इतनी गाजर ऐड कर दूंगी जिसको मैंने पहले ही घस लिया था। आप जितने लड्डू बनाए उस हिसाब से गाजर ले सकते हैं। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने और इतनी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि शुगर को गाजर में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जैसे जैसे ये शुगर मिक्स होगी वैसे वैसे इसकी चाशनी बनती जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी शुगर जो गाजर में है वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए और इसे बराबर लगातार चलाते हुए हम इसे 15 मिनट तक पका लेंगे गाजर को, जिससे हमारी ये जो गाजर की क्वांटिटी है बिल्कुल आधी रह जाएगी। तो मैं इसे 15 मिनट तक, जब तक गाजर एकदम प्रॉपर आधी ना हो जाए क्वांटिटी में। तो अब आप देख ही सकते हैं मैंने इसको इतना चला लिया है कि गाजर एकदम आधी हो गई है क्वांटिटी में। तो अब मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर दूंगी। इसको डालने से जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेंगे। आप नारियल का बुरादा बाजार से भी ला सकते हैं और नहीं तो आप जो सूखा नारियल है उसको घस कर भी बुरादा घर पर बना सकते हैं। तो अब हम इसे एकदम प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए। तो अब नारियल के बुरादे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे इसको टेस्ट देने के लिए, और थोड़े से ही मैं यहाँ पे काजू ऐड कर रही हूँ। इसमें पिस्ता हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना होता, बिना ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं। तो अब मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बुरादे को प्लेट में निकालने के बाद हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे हम, और उसके बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। लड्डू आप अपनी पसंद अनुसार छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। तो अब हमारा पहला लड्डू बनकर तैयार है, देख ही सकते हैं आप। तो अब हम इस तरह से सारे के सारे लड्डू बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा डिलीशियस लड्डू लग रहे हैं। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सर्दियों के दिनों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और लड्डू बनाकर अपने अनुभव करिश्मा चौहान के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू।